डोसेस ऑफ टैबलेट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल में जाके ऑल पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आपको मेरी हर वीडियो की लिंक आपको मिलती जाएंगी आप अगर सब्सक्राइब किए तो। मेरी वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि आपको बहुत सीखने को मिलेगा इसमें से, क्योंकि अगर आप फार्मा के फील्ड के हो तो आपको फार्मा गाइडलाइंस मैं देता जाऊंगा। और आप कमेंट करके भेजिए कि कुछ डिफिकल्टी होंगी तो मैं आपको सही मार्ग से बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरी अगली वीडियो डालकर मैं आपको अच्छे से बता सकूंगा, और आपको किसी भी डिफिकल्टी सिचुएशन होंगी तो मैं आपको मदद कर सकूंगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको मदद करूंगा। चलो चालू करते हैं। मैं सागर आपको प्रोसेस ऑफ टैबलेट में लेके जाता हूँ। द प्रोसेस ऑफ टैबलेट, प्रोसेस ऑफ टैबलेट के चार टाइप रहते हैं, जैसे कि ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन, फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ग्रैनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। दिस फोर स्टेप्स यू हैव टू यूज द टैबलेट हैज मेक। मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अ टैबलेट एंड द डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस यू हैव टू सी। द प्रोसेस बाय विच टैबलेट आर कॉम्प्रेस डायरेक्टली फ्रॉम पाउडर मिक्सचर ऑफ एपीआई एंड सुटेबल एक्सिबिएंट। द डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड इन अ ऑटोमेटिक मशीन और ह्यूमन वर्क मशीन। दीज मशीन्स आर अवेलेबल इन द इंडिया बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑफ टैबलेट मेकिंग दिस इज द यूज ऑफ अ डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस। मैं आपको अंत में डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस कैसे करते हैं यह बताऊंगा। चलो चालू करते हैं अपना। एपीआई और एक्सिपिएंट ऐड करके आप डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस डायरेक्टली पाउडर को कंप्रेस करके यूज कर सकते हैं। चलो चलते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन के एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन, मोर इकोनॉमिकल कहा जाए तो उसको लेस टाइम और मटेरियल को स्पेस मिलता है, और जैसे कि कम स्टेप में वो कंप्रेस हो जाके पाउडर से ग्रैनुल्स से कंप्रेस होकर टैबलेट निकलती है। बट इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन द टैबलेट हैज मेक पाउडर एपीआई एंड एक्सिपिएंट हैज एडेड इन द पाउडर फॉर्म दे हैव एडेड टू द प्रोसेस हैज स्टार्टेड द टैबलेट हैज कंप्रेस एंड दिस डायरेक्ट कंप्रेशन हैज टेकन। दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस। अवॉइड हीट एंड मॉइस्चर ऑफ वेट ग्रैनुलेशन। इन वेट ग्रैनुलेशन यू हैव टू सी मोस्ट एडवांटेजेस, द मोस्ट पावरफुल एडवांटेजेस दिस इज यू हैव टू कंडक्टेड इन एग्जाम दिस पॉइंट ऑफ व्यू टू यू सी दिस इज द बेस्ट एंड द एमपीएससी एंड एनी फार्मा दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू सी। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन इज गुड फॉर द टैबलेट मेकिंग बिकॉज दे हैव अवॉइड द हीट एंड मॉइस्चर ऑफ वेट ग्रैनुलेशन। वेट ग्रैनुलेशन जैसे कि वेट ग्रैनुलेशन बोले तो उसमें लिक्विड होना,
और उसको जैसे कि ड्राई करना पड़ता, उसके बाद उसका मॉइस्चरिंग कम हो जाता है। मॉइस्चराइजर यूज़ करके आप देख सकते हैं वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस। दिस इंटीग्रेट मोर डायरेक्टली इनटू प्राइमरी पार्टिकल्स, दे वो घुल जाता है डायरेक्टली, जैसे कि प्राइमरी पार्टिकल्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उसमें से। आगे देखते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन के डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी फॉर लो डोज ड्रग्स, उसकी यूनिफॉर्म पार्टिकल्स रहती है, वो लो डोज ड्रग्स यूज़ किया जाता है। क्योंकि जैसे कि अपन चलते हैं एक टैबलेट पर, वो 2.5 mg की रहती है, 2.5 mg का टैबलेट रहता है, उस पर अगर ध्यान दे तो वो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन प्रोसेस करके आता है। क्यों? क्योंकि उसका ड्रग क्वांटिटी कम रहता है और एक्सीपिएंट भी कम रहता है। इसके अलावा उसका इसलिए उसका 2.5 का mg का टैबलेट बन सकता है और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन हो सकता है। उसका लास्ट डोज पुअर कॉम्पेक्टिबिली और पुअर फ्लोइंग ड्रग, दिस ड्रग्स आर पुअर फ्लोइंग ड्रग एंड दे हैव टू द कॉम्पेक्टिबल, जैसे कि वो लवचिक रहता है, कॉम्पैक्टेबल, वो स्टिकी नहीं रहता, कॉम्पैक्टेबल प्योर रहता है। रिक्वायर टाइट कंट्रोल ओवर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिलर बाइंडर। फिलर बाइंडर अगर आप यूज़ करते हैं तो आगे ही देखेंगे अपन फिलर बाइंडर का, आपको पता चलेगा फिलर बाइंडर किसके लिए यूज़ होता है। द डायरेक्ट कॉम्प्रेशन प्रोसेस यू हैव टू यूज़ द फार्मूला ऑफ जनरल फार्मूला, यू हैव टू यूज़ द प्रोसेस। द ड्रग्स आर यूज इन अ डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, वन पार्ट ऑफ अ पाउडर एंड टू और थ्री पार्ट ऑफ पाउडर एज फिलर बाइंडर। डिसइंटीग्रेंट 10-20% ऑफ पाउडर, सुपर डिसइंटीग्रेंट 2-5% ऑफ पाउडर, ग्लाइडेंट 0.5-1% ऑफ पाउडर, लुब्रिकेंट 0.5-1% ऑफ पाउडर। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ यूजिंग अ डायरेक्ट कॉम्प्रेशन प्रोसेस। आफ्टर यू हैव सी रोल ऑफ लुब्रिकेंट, अभी अपन ने देखा है लुब्रिकेंट ये यूज होता है एक्सीपिएंट के फॉर्म में। एक्सीपिएंट के फॉर्म में जो भी यूज होता है वो आगे देखेंगे, और अभी देखेंगे लुब्रिकेंट का रोल क्या रहता है। अगर वो पाउडर में मिक्स किया जाता है और ड्रग्स में मिक्स किया जाता है तो उसका रोल क्या है, और उसके तीन टाइप है, उससे उसका रोल पता चलेगा। ट्रू लुब्रिकेंट रोल, ड्यूरिंग टैबलेट फॉर्मेशन एंड इजेक्शन ऑफ अ टैबलेट, डाई वॉल इंटरफेस बिटवीन द फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग सरफेस हैज रिड्यूसेस। इन द टैबलेट फॉर्मेशन दिस इंटरफेस बिटवीन द फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग सरफेस हैज रिड्यूस, फ्रिक्शन ऑफ अ मशीन एंड स्लाइडिंग सरफेस हैज रिड्यूसेस, दिस इज द लुब्रिकेंट रोल। द एंड एंटी एडेसन्स एडेसन रोल, प्रिवेंटिंग स्टिकिंग ऑफ पाउडर, जैसे कि मशीन को अगर वो स्टिक होने लगा तो पाउडर, वो लुब्रिकेंट यूज होता है और वो यूज करके अपन वो स्टिक नहीं हो सकता। ग्लाइडेंट का रोल, इंप्रूविंग फ्लोएबिलिटी सर्टेन रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसकी फ्लोएबिलिटी यूज करते हैं। अभी आपने देखा है ग्लाइडेंट यूज क्यों किया जाता है, उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ाने के लिए, और रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेंज भी अपन बढ़ा सकते हैं। दिस इज रोल ऑफ लुब्रिकेंट। आगे देखेंगे रोल ऑफ ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट का रोल अगर मिक्स किया जाए तो उसका रोल क्या है, अभी देखा है ग्लाइडेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट, यही देखा है ग्लाइडेंट रोल ऑफ लुब्रिकेंट। There are three types. The first of all, they have said the role of glidant, improving
पाउडर फ्लोएबिलिटी, अभी देखिए फ्लोएबिलिटी इंक्रीजेस होती है. गिव अ सर्टेन रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन रेंज उसकी रहती है. इनहिबिट पाउडर फ्लोएबिलिटी एंड यूजुअली ग्लाइडेंट आर एडेड इन पाउडर बाय प्रायर टू कॉम्प्रेशन. द प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यू टू अ कॉम्प्रेशन दे हैव टू यूज अ ग्लाइडेंट. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लोएबिलिटी एंड द फ्लोएबिलिटी इज गुड टू द प्रोसेस हैज कंडक्टेड वेरी गुड एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द पाउडर टू गिव अ एडेड अ ग्लाइडेंट. रोल ऑफ डिसइंटीग्रेंट, प्रमोट द ब्रेकअप ऑफ अ टैबलेट. एडेड अ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट सरफेस एरिया ऑफ पाउडर इंक्रीजेस मोर रैपिड रिलीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस. दिस इज गुड, प्रमोट द ब्रेकअप ऑफ टैबलेट. अगर ब्रेक होने वाला है तो उसको पकड़ के रहता है, वो स्टिकी रहता है और उसे ज्वाइन नहीं रहता. एडेड अ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट सरफेस एरिया ऑफ पाउडर इंक्रीज, सरफेस एरिया उसका बढ़ता है. मोर रैपिड रिलीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, वो अगर आपके पेट में जाने के बाद वो रिलीज होने में उसका जो टाइम लिमिट है वो अच्छे से होके वो अच्छे से घुल जाता है और आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए डिसइंटीग्रेंट यूज किया जाता है. हम देखेंगे आपके लास्ट में, मैंने कहा था कि डायरेक्ट कॉम्प्रेशन प्रोसेस कैसे की जाती है वो आपको बताऊंगा. द रिफिल हॉपर, द रिफिल हॉपर रिफिल डिवाइस लॉर्ड सेल मेटरिंग जोन बेट सिग्नल स्पीड ड्राइव कमांड फीडर कंट्रोलर. दिस इज द ऑटोमेटिक मशीन यू हैव टू सी. रिफिल हॉपर, द हॉपर में से वो पाउडर और एपीआई और एक्सपिएंट अगर आप डालते हैं तो वो चला आता है वेट सिग्नल पर. रिफिल डिवाइस से वो नीचे आकर वेट सिग्नल पर आता है और लोड हो जाता है. लोड होने के बाद मटेरियल जोन में आता है और उसकी स्पीड से उसको टैबलेट कॉम्प्रेस किया जाता है. टैबलेट कॉम्प्रेस होने के बाद वो बाहर निकल जाता है. इसमें पाथवे नहीं दिखाया लेकिन दिस पाथवे टू द हाउ सेइंग एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डायरेक्ट कॉम्प्रेशन प्रोसेस. एंडिंग में अपन देखेंगे, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको बहुत वीडियो आने वाले हैं. अगले थर्सडे को मैं मेरी एक नई वीडियो डालूँगा और आपको हर थर्सडे को मेरे वीडियो की लिंक भेजता जाऊंगा. प्लीज़ यू हैव टू कमेंट टू मी एंड यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड बेल आइकन टू गो एंड क्लिक ऑल. यू हैव टू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर गेटिंग आई एम एनी अदर वीडियो टू यू हैव टेक अ लिंक. थैंक यू फॉर सेइंग, थैंक यू फॉर listening more audio and thanks.